मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल के दामों में 9.26 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दामों में 9.51 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नालछा ने बताया कि 22 दिन से पेट्रोल में 9.68 रुपये तथा डीजल में 10.06 रुपये की बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी ऐसे समय की गई जब जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है। पिछले 3 माह में लॉकडाउन के कारण जनता अपना रोजगार, अपना व्यापार सब कुछ गंवा कर बैठा है। इन सब के बावजूद केंद्र व राज्य सरकार डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमा रही है, जबकि कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है। इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को सरकार से राहत की उम्मीद थी, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार खरी नहीं उतर पाई। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। इन लोगों ने जो अपने डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के संबंध में ज्ञापन दिया है, जो इनका ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया है और जो इसको कलेक्टर के माध्यम से इसको आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। आपने जो आज ज्ञापन दिया वो किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने? पिछले 3 माह से लॉकडाउन की व्यवस्थाएं पूरे देश में चल रही है, लेकिन कई लोगों के रोजगार खत्म हो गए और आम किसान वर्तन परेशान है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार उनको राहत देने के बजाय लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव मूल्य में वृद्धि करके उनके ऊपर एक तरह से और उनका शोषण हो रहा है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश में आह्वान किया और पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार के समय जो बिजली बिल कम आते थे, अब की बार इन 2 महीनों में उन दोनों को भार बढ़ाकर उपभोक्ताओं के ऊपर भार डाला दिया गया, तो उसके विरोध में भी कांग्रेस पार्टी एक ज्ञापन दे रही। आपका नाम? प्रकाश फौजदार, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। जो आपने जो आज ज्ञापन दिया, ये किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में आह्वान किया गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस को निर्देशित किया और प्रदेश कांग्रेस ने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, जिला कांग्रेस को निर्देशित किया है कि आम जनता की कठिनाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है पेट्रोल डीजल के दाम के कारण, और एक नहीं दो नहीं सीधे 10-10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, इनको तत्काल रोका जाए, अन्यथा कांग्रेस पहले ये सीधा प्रदर्शन कर रही है। यदि जनता की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इन भावों को नियंत्रित नहीं किया तो कांग्रेस आम जनता के लिए अब सड़कों पर उतरकर और इसका पुरजोर विरोध कर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करवाने की कोशिश करेगी। आपका नाम? विनोद इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।